सीहोर में वीआईटी कॉलेज के संचालक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के अपराध में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने आरोप लगाया कि एक ओर बीजेपी के नेता प्रदेश में हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। धर्म का पालन करना और उसका स्मरण करना सभी का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संचालक और प्रबंधन पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। धार्मिक भावनाओं पर पाठ किया। इस घटनाक्रम को लेकर आपका एक प्रतिनिधिमंडल कॉलेज प्रबंधन से मिल गया, क्या चर्चा है और घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कॉलेज तो जो है वो गोलमोल जवाब दे रहा है। देखिए, जिस जगह ये संस्थान है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती है, आज वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? उनके नेता नरोत्तम मिश्रा, उनके विधायक रामेश्वर शर्मा जो रोज हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो कहाँ है? वो इस मामले पर जवाब क्यों नहीं देते? कॉलेज प्रबंधन की जो भूमिका है वो गोलमोल है। हमने जो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनसे बात करी, वो भी उनको भी संतुष्टि नहीं दे पाए कॉलेज प्रबंधन के लोग। हमारी स्पष्ट मांग है शासन और प्रशासन से कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ संविधान की धाराओं के अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भावनाओं के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एनएसयूआई के चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में लगातार जारी है।